अगर भर्ती होना है दोस्तों, 4 से 5 चीज़ों का लाइफ में त्याग करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपके लाइफ में कैसे नुकसान कर रही है। और इसका नुकसान तब समझ में आएगा जब आप भर्ती में जाते हो, उस टाइम आपको ये नुकसान समझ में आएगा। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, उसके बाद वीडियो में बात करेंगे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को किसी लड़की से प्यार होता है दोस्तों, उन्हें शौक आता है राजमहल में मैं भी रहूँ राजाओं की तरह। तब उन्हें चाणक्य समझाते हैं ये सब चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब तब चंद्रगुप्त मौर्य पूछते चाणक्य से कि चाणक्य ये सब चीज़ अगर त्याग ना करना पड़ता तो क्या होता। तब बोलते हैं कि तब हर कोई सम्राट होता। दोस्तों अपने लाइफ में कुछ चीज़ों का त्याग नहीं करोगे तो हर कोई भर्ती होगा। अब ये एग्जाम्पल देख लो ना दोस्तों, 10 से 20 हज़ार से 50 हज़ार रखते, 50 हज़ार भर्ती में बंदे जाते हैं, भर्ती कितने होते हैं दोस्त? 5 से 6 हज़ार। क्योंकि वो 5 से 6 हज़ार जो बंदे हैं ना दोस्त, वो हर चीज़ का त्याग करते हैं। तो आज इस चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, 5 चीज़ों का बात करूँगा, बारी बारी से समझना ध्यान से। पहला दोस्तों जिम आपको नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि मैं एक बार CRPF की भर्ती देख रहा था दोस्तों, वहाँ पे मेरे आगे जो था जिम वाला बंदा था, उसको एकदम डिस्क्वालीफाई कर दिया। जिम करना गलत बात नहीं है, जिम जाओ ये, लेकिन जिम तुम्हारे लिए नहीं है दोस्त। तुम्हें क्या करना, बॉडी बिल्डिंग चुनना या भर्ती होना, तुम डिसाइड कर लो। जिम करो, जिम अगर जाना है तो भाई चेस्ट की मारो, थाई का मारो, वहाँ पर जो मतलब ऐसा चीज़ जिम में करो कि जो रनिंग में फ़ायदा हो जाए। पेट पिटी करो वहाँ पर जाके जिम में। अब जिम में जा रहे हो दोस्त, कट बना रहे हो, सिक्स पैक्स बना रहे हो, डोले सोले बना रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है दोस्तों। एक बार भर्ती हो जाओ, वहाँ पर जिम भी मिलेगा, जब जितना मन उतना जिम करते रहो। आप जिम करके अच्छी खासी बॉडी बना लियो दोस्तों, अच्छी खासी प्रोटीन लेके बॉडी बना लो, और आपको छाट देगा लास्ट में भर्ती में, कैसा लगेगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं सिंपल सी चीज़ें बता दूँ ना कि आप किसी से झगड़े करते हो, कहीं चोरी करते हो किसी चीज़ से, तो आप पे अगर हाफ मर्डर का भी किसी भी चीज़ का अगर क्लेम होता है दोस्तों, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये दूसरी चीज़ है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, और जब तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा दोस्तों ना, तब तक आप बहाली अटेंड नहीं कर सकते। चलो कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ उगाड़ करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना भी लिए, बात के मतलब आजकल तो बहुत कुछ हो जाता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर दोस्तों बना भी लिए, तो लास्ट में सब कुछ हो जाने के बाद थाना वेरिफिकेशन होता है, याद रखना। आर्मी वालों की तरफ से थाना वेरिफिकेशन होता है, थाना में आपका एक भी नाम चला गया तो आप सब कुछ होने के बाद भी आप बर्बाद हो, इतना समझ लेना। तो दोस्तों दो चीज़ कंप्लीट हुआ, अब तीसरी चीज़ें पर बात करेंगे, मास्टर बिट मतलब हस्त मैथुन। ये आपकी ज़िंदगी ही नहीं दोस्तों, आपकी भर्ती भी नहीं होने देगा। इससे बहुत सारे जो नुकसान है, मैंने उसकी अलग से एक वीडियो बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका देख लेना दोस्तों। सबसे पहले देखो भर्ती आपकी कितनी भी टाइमिंग आ रही है 1600 मीटर की, आर्मी की रेस को या BSF CIS किसी भी रेस की हो, आपकी कितनी भी टाइमिंग आ रही है, लेकिन अगर हौसला नहीं हो, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भर्ती आप क्लियर नहीं कर पाओगे दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि 4:20 वाले ट्रैक पर भी है और 5:10 वाले भर्ती है, ये क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है। ये हस्त मैथुन दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस को लो करता है, कॉन्फिडेंस को गिरा देता है, आपका बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करता है, उसकी डिटेल्स में वीडियो बनाई। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देगा, आपकी स्टेमिना नहीं इंक्रीज करने देगा, दूसरी तीसरी चक्कर में आपको हाफ आ देगा, ठीक है? तो ये चीज़ों को आपको इग्नोर करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेक्स, जोर से बोलो सेक्स दोस्तों, ये आपको लाइफ में नहीं करना है। ये इतना गंदा वर्ड है यार कि बोलने में भी शर्म लग रहा है, ये आपको नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि इससे जो पता है तुमको, रनिंग में सबसे ज़्यादा बहुत सारे बंदों का ये कमेंट आता है कि कमर दर्द कर रहा है। ये दोस्तों अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको रनिंग में कमर पकड़ लेगा, कमर का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये डॉक्टरों ने भी माना है, ये चीज़ करने से कमर का दर्द सबसे ज़्यादा बढ़ता है दोस्त, ठीक है? तो आपको ये चीज़ से इग्नोर करना होगा। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, सबसे लास्ट, आजकल बहुत सारे जो बच्चे गेम खेल रहे हैं, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, सेल ड्यूटी हो गया, बहुत सारे गेम है जो गेमिंग, तो आप बहुत सारे जो गेम खेल रहे हैं, मैं नहीं मान, खेलो यार तुम्हारी मर्जी, एवरी पीपल शुड बी फ्रीडम, लेकिन भर्ती होना है तो मत खेलो दोस्तों। इसका रीज़न भी बताऊँगा, हवा में बात नहीं कर रहा, प्रूफ के साथ। दोस्तों गेम खेलने वक्त हमारा जो फ़ोन है अपने आँख से कितना दूर रहता है, आप खुद देख लेना, इस तरह रहता है ना एकदम, आपको ये चीज़ आँखों की प्रॉब्लम होगा। आप जब मेडिकल में जाओगे तो कहीं ना कहीं आँखों में फॉल्ट आ जाएगा इस गेम के कारण। गेम में क्या मिलता है बताओ, तुम्हारा कैरियर उस गेम में है, जब कैरियर है तो खेलो ना यार, मैंने मना नहीं किया है, कैरियर है तो खेलो, नहीं कैरियर है तो उसमें क्यों देना? जो कैरियर है पहले उसको चुनो ना, तुम्हारी जो कैरियर सबसे पहले उसको चुनोगे, ठीक है? अपने गेम को नहीं, अगर गेम कैरियर तो गेम को चुनो, समझ में आई बात दोस्तों?
तो मैंने जितनी चीज़ें बनाई हैं बताई है उसको एकदम इग्नोर ही करना पड़ेगा, तभी आप भर्ती हो गए। जो बंदे भर्ती हो, जो आपके बंदे रेस भर्ती हुए ना अपने ग्राउंड में, अपने ग्राउंड खुद के ग्राउंड में देखना, वो जाकर देखना किन किन चीज़ों का त्याग किया उन्होंने। वो अलग बात, बदमाशी अलग बात है दोस्तों। एक होता है ना ढीठपन, बदमाशी, ये चीज़ रहना चाहिए, लेकिन उनमें ये चीज़ें ने बताया वो नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इतना ही कहकर वीडियो कल विदा लेता हूँ। और ये पीछे जो बैकग्राउंड भैंस देख रहे हो, कमेंट मत करना, ये सब हमारी ही है। और एक दोस्त है, फ्रेंड है, बगल में है, उसकी भी है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर चराने भैंसों को, तो साथ साथ वीडियो भी बना लेते हैं, दो काम हो जाता है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो मेरे लिए नहीं, भैंसों के लिए भी सब्सक्राइब लाइक ठोक देना और शेयर कर देना हर एक ग्रुप में, क्योंकि हर एक आर्मी के बंदों तक पहुँचना चाहिए, फोर्स के बंदों तक पहुँचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।